गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 11 का पहला लेसन का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, अब उसके आगे देखिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच, क्योंकि विद्यालय जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल मंदिर से, अर्थात मैं अपने दादी माँ के साथ सदैव विद्यालय जाता था, या मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था, अटैच का मतलब जुड़ा हुआ था मंदिर से। द प्रीस्ट टॉट अस, पुजारी हमें सिखाते थे द अल्फाबेट, वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब बच्चे एक कतार में बैठते थे ऑन आइदर साइड, एक तरफ ऑफ द बरामदा, बरामदे में एक तरफ बैठते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला कहते हुए या गाते हुए, और द प्रेयर या प्रार्थना को गाते हुए, इन ए कोरस, एक स्वर में या एक समूह में, तो माई ग्रैंड मदर साइड इन साइड, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हुए अंदर बैठती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम एक साथ वापस के लिए चलते थे। दिस टाइम, इस समय द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते उड मीट हमसे मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के द्वार पर, दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते थे, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए, क्यों लड़ते थे, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए लड़ते हुए, वी थ्रू टू देम, जिन चपातियों को हम उनके पास फेंकते थे, उनके सामने फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए, तो they sent for us, तो वे हमारे लिए भेजे, अर्थात हमें बुला लिए। That was a turning point, तो that was a turning point का मतलब एक मोड़ आया in our friendship, हमारे मित्रता में एक मोड़ आया। Although we shared the same room, यद्यपि हम वही कमरा साझा करते थे, तो भी my grandmother no longer came to school with me, तो भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school, मैं अंग्रेजी विद्यालय में जाता था, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में। There were no dogs, कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, and she took आर टू फीडिंग स्पैरोज, और वह पक्षियों को खिलाती थी। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में वह पक्षियों को खिलाती थी, या खिलाना शुरू कर दी। अगला पैराग्राफ, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, तो 20 साल सा पीछे दर, हम एक दूसरे से कम मिलते थे या देखते थे। और समटाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वह लगातार मुझे जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, या जब मैं वापस आता था, तो सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बतलाता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पाश्चात्य विज्ञान की चीज़ों को बताता था, एंड लर्निंग और ज्ञान को बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार का गोल होना, एटीसी इत्यादि बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें अप्रसन्न कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वह मेरा सहायता नहीं कर सकती थी मेरे पाठों में। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी
दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जिनको वे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते थे। एंड वाई डिस्ट्रेस्ड, और दुखी हो जाती थी दैट कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और इस बात पर दुखी हो जाती थी कि ईश्वर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया दैट कि वी वी आर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ दिए जा रहे हैं या दिए जा रहे थे। तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गए। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड लिव एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत अशोभनीय चीज़ों से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार लॉट्स एंड बेगर्स, इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली के तौर पर एकाधिकार होता है। तो आप हार लॉट्स मीन्स वैश्या होते हैं और बेगर मीन्स भिखारी। तो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार लॉट्स एंड बेगर्स, वैश्याओं और भिखारियों का इस पर अधिकार होता था, एकाधिकार था। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल पुल, और सज्जन पुरुषों के लिए, सज्जन समुदाय के लिए इसका अर्थ नहीं होता था। किसका? संगीत का। सी सेड नथिंग, वह कुछ कही तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट, लेकिन उनके शांति का अर्थ था डिसअप्रूवल, लेकिन उनके शांति का अर्थ था नाराजगी या असहमति। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वह मुश्किल से मुझसे बात करती थी या कभी कभी बात करती थी। फिर आगे दिया है, When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया तो I was given a room of my own, तो मुझे अपना एक कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, जो सामान्य कड़ी था of friendship, मित्रता की, was snapped, टूट गया। My grandmother accepted, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर ली हर सेक्लूजन, अपना एकांतवास with resignation, शांत भाव से स्वीकार कर ली। फिर आगे दिया है, हाँ यहाँ से देखेंगे, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, वह मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी साइड वह बैठती थी बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वह अपने चरखे को कांपते हुए या घुमाते हुए बैठती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना को कहते हुए बैठती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद में, सी रिलैक्स, वह आराम करती थी फारे ऑयल थोड़े समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज, पक्षियों को भोजन देने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरांदा, जब वो बरांदा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटियों को तोड़ते हुए, इंटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को करते हुए बैठती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो सैकड़ों पक्षियाँ कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, क्रिएटिंग मीन्स उत्पन्न करते हुए, वेरिटेबल का मतलब अनेक प्रकार के बेडलम ऑफ चर्पिंग, ची ची करके उन्हें पागल बना देती थी या अनेक प्रकार के ची ची की आवाज़ उत्पन्न करती थी। सम केम, कुछ आती थी एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरे उनके कंधे पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेवर शुड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, यह सबसे प्रसन्नचित आधा घंटा का समय हुआ करता था ऑफ द डे, दिन का फार हर उनके लिए, अर्थात उनके लिए दिन का आधा घंटा या सबसे प्रसन्नचित हुआ करता था। फिर आगे दिया है, When I decided to go abroad, जब मैं विदेश जाने का निर्णय लिया, abroad भी विदेश होता है, जब मैं विदेश जाने का निर्णय लिया फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, तो आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ नाराज होगी। आई वुड बी अवे, मुझे दूर रहना पड़ता फॉर 5 years, 5 वर्षों तक। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र के बारे में, वन वुड नेवर टेल, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कर सकती थी, अर्थात उन्हें विश्वास था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक
लेकिन बात नहीं की आंसू एनी इमोशन या कोई संवेदना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में चलते थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेर बिजी, उनकी उंगलियां व्यस्त थी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी। रोसरी मिस माला होता है, बीट्स मिस मन का, जो माले का होता है। तो उनकी उंगलियां अपने माले के मनके को गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड, धीरे से वह चूमी माई फोरहेड, मेरे मस्तक को चूमी। एंड व्हेन आई फेल्ट, और जब मैं अनुभव किया, आई चेरिश्ड, जब मैंने यहाँ लेफ्ट दिया है, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा तो आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने उस गीली छाप को संजोए रखा, अपने दिल में बसाए रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस, कि शायद यह हमारे बीच शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी। फिर आगे दिया है, आगे जो है कि अब बाद में बताएंगे अगले वीडियो में, आप इतना रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।